और अब जो है इसमें डाला जा रहा है, ये लगभग 5 किलो चिकन है। तो लगभग 20 मिनट का समय जो है वो बीत चुका है और चिकन का जो रंगत है वो आप देख सकते हैं, क्या सही सा चिकन लग रहा है। तो हम लोग भी जो चिकन है वो निकलवाते हैं इस प्लेट में, बहुत ज़्यादा सही सा लग रहा है, गर्मा गर्म सा ये चिकन बहुत अच्छा है। सबसे यूनिक बात क्या है कि इनका तो चिकन भी है और पराठा भी, दोनों अच्छा होता है। बहुत जगह क्या होता है चिकन थोड़ा सा अच्छा होता है तो पराठा थोड़ा वीक होता है, अब इनका दोनों अच्छा है। और साथ में हम लोग चिकन सूप भी लिए हैं, वो भी इनका बहुत शानदार। फिलिंग देखिए, वाह क्या जबरदस्त फिलिंग है, कहीं कोई कोना आपको खाली नहीं मिलेगा। ये पूरा पराठा ऐसे हम लोग अगर खोल दें, और प्लस बहुत अलग अलग पराठा का ऑप्शन है, चिकन कीमा पराठा है, मशरूम पराठा है, आलू पराठा है, पनीर पराठा है, पिज्ज़ा। बहुत बड़ा घाट है अगर अब तक आपने नहीं चखा हमारा पराठा। इंस्टीड ऑफ ईटिंग समवंस माथा, ईट आवर डिलीशियस पराठा। चिकन कचौड़ी था, बहुत ही ज़्यादा यूनिक चिकन कचौड़ी, और हमको नहीं पता इंडिया में और कहीं ऐसा चिकन कचौड़ी मिलता है कि नहीं। ये हो चुका है तैयार, बहुत सही सा लग रहा है देखने में। तो चिकन और पराठा का तो हम लोग बहुत वीडियोस बनाते रहते हैं, मतलब पहले भी बहुत वीडियोस बना रखे हैं, बट हर कुछ स्ट्रीट पर मिलता था, बहुत लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे। आज हम लोग एक चिकन पराठा का वीडियो लेकर आए हैं जो कि टोटली हाइजेनिक तरीके से बनाया जाएगा। रेट बट जो है वो स्ट्रीट वाला ही है, रेट आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना, बट हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा, हाइजेनिक तरीके से बनाया जाएगा, अच्छे से बैठाकर आपको खिलाया जाएगा। फिलहाल हम लोग हैं गांधी मैदान के पास, गांधी मैदान से आप 200 मीटर आगे की ओर बढ़ते हैं, अंटा घाट है, बीएन कॉलेज है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये मिलेगा आपको स्टाइल बाजार, और स्टाइल बाजार के थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो है शालिग्राम कॉम्प्लेक्स, बगल में है कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स, काफ़ी फेमस है वो, तो कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बगल में ही है शालिग्राम कॉम्प्लेक्स, यहीं पर हम लोग आए हैं। और जिस जगह पर आए हैं, इस जगह पर पहली बार नहीं आ रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं, जगह का नाम है पराठा कॉलिंग। पीछे का आप जो है सेटअप वगैरह देख सकते हैं, तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे बहुत सिंपल सा लोकेशन है, और पहले क्लाउड किचन हुआ करता था, 6-7 महीने तक ये लोग क्लाउड किचन में रन किए, उसका भी हम लोग वीडियो बनाए थे, जो फ्री चिकन फ्री मटन करवाए थे, बहुत लोग वहाँ से ऑर्डर किए थे, बहुत लोग को पसंद आया था। तो अब ये लोग प्रॉपर एक आउटलेट अपना ओपन कर चुके हैं, और अब आप आके यहाँ गर्मा गर्म पराठा खा सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी तक पटना में ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ इस तरीके से अलग अलग वैरायटीज़ का पराठा खिलाया जाए, बट सिर्फ पराठा नहीं है, इंडियन आइटम भी है, चाइनीज़ भी है, काफ़ी कुछ है। चलते हैं अंदर, जो मेन्यू वगैरह है वो आपको दिखाएंगे। और आप यहाँ के मैनेजर हुए, हेलो, क्या क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ अभी मिलता है चिकन पराठा, अच्छा, लच्छा पराठा, आलू पराठा, मटन पराठा, मशरूम पराठा एंड एग पराठा, यहाँ तरह का पराठा का वैरायटीज मिलता है। हाँ, हर तरह का भी मिलता है, अच्छा। प्लस में बहुत टेस्टी आपको दिया जाएगा यहाँ पराठा, यहाँ अलग अलग से बहुत दूर दूर से आते हैं लोग खाने के लिए, अच्छा। पहले हमारा क्लाउड किचन था भूतनाथ में, अच्छा। वहाँ भी अच्छा रिस्पांस मिला, और यहाँ भी हम लोग ये डाइनिंग के साथ शिफ्ट हुए हैं, अच्छा, ठीक है। तो पराठा के अलावा आपका मेन्यू जब देख रहे थे तो मतलब चिकन मटन ग्रेवी वाला आइटम भी था जी, बहुत कुछ था। चाइनीज का भी आइटम मिलता है यहाँ, चाइनीज इंडियन दोनों आइटम मिलता है, प्लस बहुत टेस्टी मिलेगा यहाँ, एक बार यहाँ खा के देखिए, मतलब यहाँ से आप एक बार खा के जाइएगा, प्लस दोबारा आइएगा यहाँ खाने के लिए, एक बार तो खा ले वो आते रहेंगे। तो जो मेन्यू है वो सब आपको दिखाते हैं, चाइनीज भी है और इंडियन का भी सारा व्यवस्था है, मेन्यू आपको प्रॉपर्ली दिखाते हैं, फिर जो मेकिंग है वो दिखाएंगे, फिर खाएंगे, जो टेस्ट है वो आपको बताएंगे। ये जो है ये मेन्यू आप देख सकते हैं, पहले तो ये पराठा का बहुत सारा ऑप्शन है, लच्छा पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा, चिकन पराठा, मिक्स वेज, पनीर चिली, चिकन चिली, मशरूम चीज़, वेज पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा, इतने अलग अलग वैरायटीज़ का पराठा है, प्लस ऑयल का भी ऑप्शन है, घी का भी ऑप्शन है, आपको जो आप जो प्रेफर करते हैं उसमें आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट ये मेन कोर्स हो गया, पनीर करी हो गया, कढ़ाई हो गया, चिकन कढ़ाई, प्लस एक और यूनिक सा चीज़ है, चिकन मटका दम मसाला या मटन मटका दम मसाला। इसमें ये लोग क्या करते हैं, जैसा कि हम पूछे तो बताएं कि मटका के अंदर दम लगा के कुछ स्पेशल टाइप का कुछ वो आइटम है, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे, बट वो इस वीडियो में नहीं, एक और वीडियो हम लोग यहाँ बनाएंगे मटन का, उसमें ट्राई करने वाले हैं, ये वीडियो हम लोग फोकस रखते हैं सिर्फ चिकन पे। ये हो गया कचौड़ी का ऑप्शन, अच्छा, चिकन कचौड़ी ये सब भी आप लोग के पास है? जी जी भैया, हम लोग हमारे यहाँ चिकन कचौड़ी, पनीर कचौड़ी, पिज्जा कचौड़ी, सत्तू कचौड़ी, यहाँ मतलब बहुत कम दाम में बहुत टेस्टी खाना खा के यहाँ से लोग जाते हैं, जैसे चिकन पराठा हो गया यहाँ से 55 रुपये में खा के जाते हैं, और चिकन और लच्छा पराठा का भी हम रेट देख रहे हैं कि सिर्फ आपका 60 रुपीज़ में है। एक आके कोई चिकन और पराठा खा सकते हैं सिर्फ 60 रुपये में, क्या बात है, और 95 रुपीज़ में आके आप यहाँ मटन पराठा खा सकते हैं, ये सारा रेट वगैरह आपके सामने है। चिकन सूप पी सकते हैं, 40 रुपये का चिकन सूप, ये बाहर काउंटर लगता है चिकन सूप और पकोड़ा का, तो सूप वगैरह आप पी सकते हैं, बहुत सही सा मेन्यू है, मेन्यू आपको दिखा दिए। अब चलते हैं अंदर, अब जो मेकिंग वाला चीज़ है वो दिखाते हैं और फिर खाते हैं। और आप लोग जोमेटो स्विगी पे भी है ना? जी जी, जोमेटो स्विगी दोनों से हम लोग अटैच। इस तरीके का ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसी बॉक्स में पैक करके मिलता है, और बड़ा अच्छा सा कोटेशन वगैरह भी ऊपर लिखा हुआ है, खाइए हमारा पराठा और चैन से लीजिए खराठा।
आपका हो रहा है बहुत बड़ा घाटा अगर अब तक आपने नहीं चखा हमारा पराठा। इंस्टीड ऑफ ईटिंग समवन्स माथा ईट आवर डिलीशियस पराठा, क्या बात है। अब भूख को करिए टाटा, क्योंकि अब भूख को मिटाने आ गया है हमारा पराठा। तो ये फनीज आपको बॉक्स जो है ये मिलेगा और इसी के अंदर पराठा को डाल के मिलेगा। तो इधर कुछ कस्टमर मिले हैं जो कि लच्छा पराठा और चिकन खा रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा है। सबसे यूनिक बात क्या है कि इनका तो चिकन भी है और पराठे भी, दोनों अच्छा होता है। बहुत जगह क्या होता है चिकन थोड़ा सा अच्छा होता है तो पराठा थोड़ा वीक होता है, अब इनका दोनों अच्छा है। और साथ में हम लोग चिकन सूप भी लिए हैं, वो भी इनका बहुत शानदार है। चिकन के चंक्स भी आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा? मस्त लगा, लच्छा पराठा चिकन दोनों अच्छा लगा। चलिए थैंक यू। हमारा भैया रेस्टोरेंट ओपन का टाइम है सुबह 9 बजे से लेके रात 10:30 बजे तक। 9 बजे से ओपन के बाद लोग ब्रेकफास्ट करने हमारे यहाँ आते हैं, चिकन पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा, जो भी लोग को ब्रेकफास्ट करना होता है घर के जाते हैं। और 11 बजे के बाद हमारे यहाँ चिकन मटन जो भी मतलब इंडियन चाइनीज भोजन हो वो दिया जाता है 11 बजे के बाद। तो चिकन भैया लगभग कितना किलो है? चिकन ये हमारा 5 kg है। ये भैया हमारा दूसरा लॉट बन रहा है, पहला लॉट एक्चुअली बन चुका है। अच्छा, तो अच्छा। आप लोग के लिए बेसिकली हम लोग स्पेशली 5 kg का ये दूसरा लॉट बनवा रहे हैं। ठीक है। ये हमारा गरम मसाला हुआ जो कि हम लोग स्पेशली जाते हैं मार्केट से लेकर के खुद से आते हैं। अच्छा, ये सारा खड़ा गरम मसाला, ये सारा ये होल स्पाइसेस है हमारा। और ये हमारा पिसा हुआ मसाला है जो कि बेसिकली हम लोग खुद से लाते हैं, इसको सुखाते हैं और फिर सामने पिसवा करके और फिर मतलब डालते हैं। सारा मसाला आप लोग खड़ा लाते हैं और खुद से पीसते हैं सब मसाले को? और मसाला भी हम लोग का एक फिक्स्ड क्वांटिटी फिक्स्ड रेशियो में जाता है जो कि हम लोग काफी टाइम से मार्केट में है, 2-3 सालों से मार्केट में है। तो एक फिक्स्ड रेशियो बना करके फिर हम लोग मसाला डिसाइड किए कि हाँ एक मतलब इतना लॉट बन रहा है तो उसमें इतना इतना क्वांटिटी जाएगा। तो सारा जो मसाला आपका है ये मतलब तौला हुआ है मेजर्ड क्वांटिटी में? सारा ये मेजर्ड क्वांटिटी में। इवन हमारा जो प्याज भी जाता है वो भी मेजर्ड क्वांटिटी में है, हर एक मसाला, नमक, अच्छा, सब कुछ, तेल भी मेजर्ड क्वांटिटी में जाएगा। इस वजह से एक कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे, हर बार सेम टेस्ट का कंसिस्टेंसी इसमें मेंटेन रहेगा। जैसे भी जितने बड़े बड़े ब्रांड्स दे रखते हैं तो उसमें टेस्ट इस वजह से आता है क्योंकि उनका एक फिक्स्ड रेशियो रहता है। तो सेम प्रोसेस हम लोग भी फॉलो करते हैं। तेल जा रहा है अब हमारा जो कि मेजर्ड क्वांटिटी में है। ठीक है, सबसे पहले डल रहा है इसमें सरसों तेल। अब नेक्स्ट इसमें फोरन लगने वाला, सबसे पहले जाएगा तेजपत्ता और अब जाएगा बड़ी इलायची। नेक्स्ट जा रहा है छोटी इलायची। ठीक है, जावित्री। अच्छा, अब जाएगा जावित्री, जावित्री। और अब जाएगा दालचीनी, दालचीनी जाएगा। नेक्स्ट गया थोड़ा सा लौंग। ठीक, अब जा रहा है हमारा प्याज जो कि ये भी मेजर्ड क्वांटिटी में जा रहा है। ये बहुत ही यूनिक और अच्छी चीज़ लगी कि मतलब सारा कुछ यहाँ नाप तौल के हो रहा है। आमतौर पे हम लोग कहीं भी इंडियन फूड का जो मेकिंग दिखाते हैं या चिकन मटन का मेकिंग दिखाते हैं तो सब कुछ अंदाज के बेसिस पे होता है, कारीगर के हाथ पे होता है, बट यहाँ वो वाला हिसाब किताब है नहीं। यहाँ सब कुछ नाप तौल के हो रहा है तो कहीं से भी टेस्ट में वेरिएशन आने का चांस ही नहीं है। हर बार आप कभी भी आइए सेम टेस्ट मिलेगा। और ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ आके खाइए, आप घर पे भी मंगा सकते हैं। इस तरीके के बॉक्स में आपको चिकन चावल, मटन चावल, चिकन पराठा, मटन पराठा सब कुछ दिया जाता है। तो कहीं आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ऑफिस में पार्टी है तो आप मंगा सकते हैं इस तरीके के बॉक्स में। प्लेट का रिक्वायरमेंट नहीं, इसी में खा सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑर्डर कर सकते हैं कॉल पे भी या जोमेटो पे। तो लगभग 10 मिनट का समय जो हो चुका है, सबसे पहले प्याज को इस तरीके से अच्छे से गलाया जा रहा है और उसके बाद जो बाकी कार्यक्रम है वो होगा। प्याज को पूरा पहले ब्राउन करेंगे, फिर उसके बाद इसमें जो हमारा मसाला है वो सब जाएगा। प्याज अब अच्छे से गल गया है, अब डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा इसमें। अब क्योंकि आप लोग खुद से यहीं पे पीसते हैं? सब खुद से, यहाँ पे जितना चीज़ यूज़ हो रहा है, जितना मतलब मसाला से लेकर अदरक लहसुन सब यहीं पे पीसा जाता है, सब कुछ यहीं पे है। और अब जो है इसमें डाला जा रहा है ये लगभग 5 किलो चिकन है और अब इसे किया जाएगा मिक्स। तो अब लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है, प्याज और चिकन अच्छे से एक साथ पक गया है और अब डालना है इसमें मसाला। अब नेक्स्ट जा रहा है सारा मसाला जो दिखाया गया है आपको, बताया गया है आपको, वही मसाला यूजुअल है जो रहता है हर जगह, वही मसाला है। कुछ सीक्रेट मसाला वाला खेल यहाँ नहीं हो रहा है, बट जिस रेशियो में डाला जा रहा है वो इनका अपना है, वो सीक्रेट है। और वो बहुत दिन तक प्रैक्टिस करके अलग अलग रेशियोज़ को यूज़ करके एक फिक्स रेशियो पर ये लोग आए हैं और उसी रेशियो में मसाले को डाला गया। लगभग 20 मिनट का समय जो है वो बीत चुका है और चिकन का जो रंगत है वो आप देख सकते हैं, क्या सही सा चिकन लग रहा है। और अब इसे मसाले के साथ इस तरीके से भुना जाएगा। अभी तक कोई पानी नहीं डाला गया है, कोई पानी अभी नहीं डाला है ना आप लोग? बिल्कुल नहीं, एक बूंद पानी नहीं गया इसमें अभी तक। सारा पानी मतलब चिकन और प्याज का है? सारा पानी अभी चिकन और चिकन का अपना जूसेस है और प्याज का है, बस और कुछ नहीं। बहुत बेहतरीन सा जो खुशबू है वो आ रहा है और रंगत तो आप लोग देख ही रहोगे। तो मटन का तो हम लोग बहुत रेसिपीज़ कवर करते हैं, आज एकदम आपको देसी स्टाइल का चिकन दिखाए हैं, सारा मेकिंग वेकिंग जो है वो आपको दिखाए हैं। और बहुत लोग पूछा करते थे कि चिकन खाने कहाँ जाएं,
जहाँ हाइजेनिक तरीके से भी काम हो, अच्छे से बैठ के खिलाया जाए, तो आज एक ऐसा जगह मिल चुका है और वो आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो बस अब मसाले के साथ चिकन को अच्छे से भूनना है। तो लगभग 10 मिनट का समय जो है वो बीत चुका है और इस तरीके से अच्छे से मसाले को एकदम हाई फ्लेम पर भूना जा रहा है। और अब जो है इसमें जाने वाला है गर्म पानी। अब चिकन जो है हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, रेडी हो गया ना ये? हाँ, ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें लास्ट में फिनिशिंग टच देना बस बचा हुआ है, जिसमें गरम मसाला जाएगा और धनिया का पत्ता जाएगा। बहुत सही। हाँ हाँ, गरम मसाला भी हमारा खुद से पिसा हुआ है। अच्छा, ये नहीं कि मार्केट से लेकर के आए हैं, सब कुछ खुद से पिसा गया है। ठीक है, और बहुत सही सा खुशबू भी आ रहा है चिकन में से, कलर वगैरह जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो बस अब इसमें नेक्स्ट डाला जाएगा गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, और बहुत ही बेहतरीन सा खुशबू जो है वो इस गरम मसाले में से भी आ रहा है, मेनली इलायची का खुशबू आया। तो बस अब जो चिकन है वो तैयार हो चुका है, अब हम लोग लच्छा पराठा जो है वो बनवाएंगे और लच्छा पराठा के साथ इस चिकन को खाएंगे। तो इधर जो लच्छा पराठा था हमारा वो हो चुका है तैयार और बिल्कुल परफेक्ट शेप और साइज़ का ये लच्छा पराठा जो है ये लग रहा है। ये देखिए, ये जो चिकन है ये बन के रखा गया है, यही इन लोगों का सेटअप होता है, बेन मेरी का सेटअप है, और इसके अंदर चिकन इस तरीके से बन के रखा रहता है। तो हम लोग भी जो चिकन है वो निकलवाते हैं इस प्लेट में, बहुत ज़्यादा सही सा लग रहा है, गर्मा गर्म सा ये चिकन। तो आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये चिकन कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ बन रहा है हमारा चिकन कचौड़ी, और बहुत ही यूनिक सा डिश है, आपको मेरे हिसाब से पूरे पटना के बाहर का भी हम कभी देखे नहीं है कहीं पर भी इस तरह से चिकन कचौड़ी बनते हुए। समोसा वगैरह हम लोग देख रखे हैं, बट चिकन कचौड़ी आज पहली बार देख रहे हैं। और इस तरीके से ये आप देखें कि जो चिकन कीमा था उसका स्टफिंग किया गया इधर, इस तरह से कीमा का जो बॉल्स है वो बना के रखा गया। अब नेक्स्ट जो है कचौड़ी को इस तरह से छाना जाएगा रिफाइंड ऑयल में, और धीरे धीरे बिल्कुल धीमे आंच पे छाना, धीमे आंच पर छानते हैं ना इसको। जी 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 जी, ठीक है। ये जो चिकन कचौड़ी था बहुत ही ज़्यादा यूनिक चिकन कचौड़ी, और हमको नहीं पता इंडिया में और कहीं ऐसा चिकन कचौड़ी मिलता है कि नहीं। ये हो चुका है तैयार, बहुत सही सा लग रहा है देखने में। वाह, स्टार्ट, बारिश का मौसम है, स्टार्ट हम लोग किए हैं गर्मा गर्म चिकन सूप के साथ। चिकन स्टॉक को यूज़ करके बनाया गया है, प्लस इसमें बीच में आपको ये चिकन का जो ये देख रहे हैं चिकन का जो चंक है वो भी आएगा। थोड़ा सा ब्लैक पेपर का स्वाद है, बटर का स्वाद है, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन है, मतलब इस मौसम के लिए जो अभी आने वाला है या जो फ़िलहाल बरसात का मौसम चल रहा है, परफेक्ट। अब हम लोग खाते हैं चिकन और पराठा। ये हम लोग लिए हैं 2 पीस पराठा और 2 पीस चिकन, वैसे 1 पीस चिकन 1 पीस पराठा सिर्फ 60 रुपये का यहाँ कॉम्बो है, और बहुत सही सा ये लच्छा पराठा लग रहा है, देख सकते हैं कितना क्रिस्पी सा ये लच्छा पराठा है, बहुत फ्लेकी सा पराठा लग रहा है। तो एक लच्छा पराठा का बाइट लेते हैं हम लोग चिकन के साथ। 60 रुपीज़ में आपको 1 पीस मिलेगा चिकन, 1 पीस पराठा। लेग पीस का रेट ज़्यादा है, नॉर्मल पीस का रेट है 40 रुपीज़, 20 रुपये का पराठा। एक वर्ड में बताया जाए, जबरदस्त, बहुत सही। सारा जो मेकिंग है चिकन का हम लोग देखे हैं, बहुत सही स्वाद। चटपटा सा चिकन है, मसालेदार देसी स्टाइल का, बहुत ज़्यादा सही। अब तक हम लोग जितना भी लच्छा पराठा और चिकन का वीडियोस बना रखे हैं उन सब में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस, बहुत सही, दिल खुश हो गया। पराठा भी अच्छा, चिकन भी अच्छा। एक पॉइंट हमको इस चिकन में नहीं मिल रहा है कि हम ढूंढ के निकाले कि ये चिकन अच्छा नहीं है, बहुत सही। नेक्स्ट आते हैं, तो ये है चिकन कीमा पराठा 55 रुपये का, और फिलिंग देखिए, वाह क्या ज़बरदस्त सा फिलिंग है, कहीं कोई कोना आपको खाली नहीं मिलेगा। ये पूरा पराठा ऐसे हम लोग अगर खोल दें, और प्लस बहुत अलग अलग पराठा का ऑप्शन है, चिकन कीमा पराठा है, मशरूम पराठा है, आलू पराठा है, पनीर पराठा है, पिज़्ज़ा पराठा है। तो फिलिंग जो अंदर का है वो आपको दिखाएँ, अब इसे टेस्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले चटनी के साथ जो कि कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। हम्म,
चटनी थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा, थोड़ा हावी हुआ। हम पहले बिना चटनी का टेस्ट करते हैं, थोड़ा गलती हुआ चटनी का कर लिए। बेस्ट पार्ट क्या लगा, ये जो अंदर में आप कीमा का फिलिंग देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फाइन करेंगे होगा क्या कि आपको पता नहीं चलेगा कि सोयाबीन है कि चिकन है कि क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको चिकन का रेसा रेसा जो है वो दिखेगा, जो फाइबर्स है वो दिखेगा। तो जो चिकन खाने वाला जो स्वाद होता है वो भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा घुल जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि क्या डाला गया है। चिकन का भी स्वाद आ रहा है, पराठे का भी स्वाद आ रहा है और हर एक कोने में आ रहा है। बहुत सही, 55 रुपये का ये एक पराठा है, एक खा के आपका मतलब पेट तो भर जाएगा। अगर इवनिंग में आ रहे हैं स्नैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पेट भर जाएगा। नेक्स्ट हो गया ये चिकन कचौड़ी, एक और यूनिक सचीज है पटना के लिए क्या, ये तो कहीं के लिए भी यूनिक सचीज है। चिकन कचौड़ी ये है 35 रुपये का और कचौड़ी के अंदर ये चिकन भरा गया। ये देखिए ये क्या सही सा स्टफिंग है और कचौड़ी के अंदर जो है ये चिकन को फिल किया गया और भर भर के डाला गया, वही कोना इसमें भी खाली नहीं है। ये टेस्ट किया जाए। चिकन का जो स्वाद है ऑलमोस्ट सेम है जो पराठे में यूज़ हुआ वही कचौड़ी में, डिफरेंस यही है। यहाँ पराठा का स्वाद आएगा, यहाँ जो है क्रिस्पीनेस आएगा कचौड़ी का। बहुत यूनिक कचौड़ी लगा, बहुत सही स्वाद आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको ग्रेवी में डिप करते हैं, चिकन का ग्रेवी के साथ चिकन कचौड़ी हुआ। बहुत हम लोग लिट्टी चिकन खाए हैं, लिट्टी अलग होता था चिकन अलग होता था, ये दोनों को कंबाइन कर दिया गया है चिकन कचौड़ी। जबरदस्त, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया इन सब डिशेस को खा के। अब मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, बहुत देर मेकिंग बनाए हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बट मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और वीडियो आएगा यहाँ का जिसमें कि मटन वटन जो है वो सब आपको दिखाएंगे, उसका भी मेकिंग दिखाएंगे, खाएंगे और भी कुछ कुछ यूनिक यूनिक डिश है वो आपको दिखाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं। कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, जब आप आके यहाँ खाइएगा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।